पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार की सियासत की बात हम लगातार कर रहे हैं तो यहां पर एक और बड़ा परिवर्तन जल्द ही देखने को मिल सकता है। ये परिवर्तन सत्ताधारी दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में होने के आसार दिख रहे हैं। जी हां, ऐसी चर्चाएं हैं कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा जो है वो बदल सकता है। लंबे समय से नीतीश कुमार खुद ही जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपने करीबी आरसीपी सिंह के हाथ में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की बागडोर सौंपी थी, लेकिन अब आरसीपी की भूमिका बदल सकती है। चर्चाएं हैं कि रालोसपा का विलय कराने के बाद जदयू में वापस लौटे उपेंद्र कुशवाहा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये सब कब, क्यों और कैसे होगा ये भी आपको बता देती हूँ, सारी की सारी डिटेल्स जो है वो बता देती हूँ। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के सहारे लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होते ही उन्हें जदयू में अहम पद दिया गया, उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चुनाव गया गया था और अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देकर के पार्टी अपने लव कुश समीकरण को मजबूत करना चाहेगी। बिहार में कुर्मी और कुशवाहा वोटर पर जदयू की पहले भी अच्छी पकड़ मानी जाती रही है। कुशवाहा के लौटने और उनको आगे बढ़ाने से ये जो कड़ी है वो और ज्यादा मजबूत होगी। अब अंदर खाने की चर्चा ये भी है कि जदयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वो 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के वक्त शपथ लेते लेते रह गए थे। तब एक सहयोगी दल से एक मंत्री की शर्त के अनुसार मंत्रियों की संख्या के मुद्दे पर जदयू और भाजपा में सहमति नहीं बन सकी थी और जदयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बार खुद आरसीपी सिंह कह चुके हैं कि उनका दल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार है। एनडीए का बड़ा सहयोगी होने के बावजूद जदयू का कोई नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी तक नहीं है। तो पिछली बार आरसीपी के साथ ही ललन सिंह को भी मंत्रिमंडल में भेजने की तैयारी जदयू ने की थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। तो एक बड़ा फेरबदल जो है वो होने के चांसेस है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका भूमि जी, नमस्कार।